नमस्कार, अभी तक भारत चैनल में आपका स्वागत है। खबर आज रांगा थाना क्षेत्र से है, जहां साहेबगंज में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना हुई है। साहेबगंज जिले के रांगा थाना क्षेत्र में एक प्रेमी जोड़े को बंधक बनाने का मामला सामने आया है। दोनों का ग्रामीणों ने सिर मुड़वाकर गांव में घुमाया, इसके बाद उन्हें एक घर में बंद कर दिया। हालांकि दोनों मौका पाकर भाग निकले। घटना मंगलवार रात की है। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दरअसल रांगा थाना क्षेत्र के चंदोला पहाड़ के गांव में बढ़रवा का एक युवक आदिम जनजाति युवती से मुलाकात करने पहुंचा था। मंगलवार की शाम वह अपने प्रेमिका से मिलने चंदोला पहाड़ गया था। इसकी भनक वहां के स्थानीय ग्रामीणों को लग गई। इसके बाद ग्रामीणों ने दोनों को पकड़ लिया और उसका सिर मुड़वा दिया, जूते की माला पहना दी। इसके बाद दोनों को गांव में घुमाया। रात होने पर दोनों को एक घर में बंद कर दिया। हालांकि प्रेमी युगल वहां से भाग निकला। इस संबंध में DSP बढ़रवा प्रमोद कुमार मिश्रा ने बताया कि अभी तक लड़का या लड़की दोनों में से किसी ओर से थाना में शिकायत दर्ज नहीं कराया गया है। पुलिस अपने स्तर से मामले की छानबीन कर रही है। यह घटना होने से अभी तक लड़का लड़की दोनों फरार है और दोनों की तलाश पुलिस कर रही है। परिजन की ओर से भी अभी तक किसी तरह की शिकायत थाने में दर्ज नहीं कराई गई है, ना ही लड़की की ओर से ही किसी तरह की शिकायत थाने में दर्ज कराई गई है। मानवता को शर्मसार करने वाली घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद इस पर पुलिस ने स्वतः संज्ञान लिया है। इस संबंध में बढ़रवा DSP ने सारे मामले का खुलासा करते हुए कहा कि उन्हें भी सूचना मिली है, हालांकि किसी ने शिकायत अभी तक नहीं दर्ज कराई है। पुलिस फिर भी अपने स्तर से छानबीन कर रही है। जो भी इस मामले में दोषी होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आइए सुनते हैं DSP ने क्या कहा। सिर मुड़ाकर ग्राम चंदोला पहाड़ में घुमाया गया है। इस संदर्भ में बढ़रवा थाना प्रभारी को जांच हेतु भेजा गया था। और इस संबंध में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। हाँ, अभी तो हम उनसे मुलाकात सुनी हुई है। हम उसको खोज पा रहे हैं।